हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और अपडेट को लेके, जो कि आ रही है बिहार में बीएड कोर्स के लिए। अगर आप भी बिहार से है, बीएड की कोर्स करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि एंट्रेंस का जो फॉर्म आने वाला था उसके लिए शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल में मैं डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप भी बीएड का कोर्स करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। लास्ट तक जरूर वीडियो को वॉच करना। और अगर इसका जो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस है आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां पर चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहले ही बता दिया है कि बिहार में बीएड कोर्स के लिए जो एंट्रेंस का फॉर्म होता है वो ऑनलाइन आपको बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कितने सीट के लिए टोटल फॉर्म अप्लाई होगा। टोटल आपका 37,000 यानी कि 37,000 सीट के लिए आपका ये फॉर्म रहने वाला है। अब बात करें कि अप्लाई कब से कब तक होगा। 9 अप्रैल से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 4 मई रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही 9 अप्रैल से आपका फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाए आप अप्लाई कर देना, बाद में सर्वर इशू फेस करना पड़ सकता है आपको। चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या आपसे लिया जाएगा। जनरल कैंडिडेट से 1000 मतलब 1000 रुपया लिया जाएगा। EWS, OBC और ऑल कैटेगरी फीमेल से यहाँ पर 750 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपसे 500 रुपीज लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की क्या इसमें आपको रिक्वायरमेंट है। देखिए, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन पास कर लिया है, चाहे उन्होंने BA किया है, आर्ट्स है, या फिर BCOM कर रखा है, या फिर BSc कर रखा है, सभी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन देखिए, कैटेगरी वाइज बताएगा कि मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए। जनरल OBC और EWS का मिनिमम 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए और SC ST कैंडिडेट का मिनिमम 45%। अब अगर बात करें कि सिलेक्शन कैसे होगा, 37,000 सीट में से अगर आपको एक सीट चाहिए तो चयन प्रक्रिया क्या होगी, आइए मैं बता देती हूँ। देखिए, आपका 3 स्टेज यहाँ पर है। पहले स्टेज पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे आप। सेकेंड स्टेज पर एंट्रेंस एग्जाम होगा। जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको आपकी सीट दे दी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है ग्रेजुएशन वालों के लिए, जो बीएड होता है ना, वो 2 ईयर्स का होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस्ड पेन एंड पेपर मोड में होगा। एग्जाम में आपका 120 क्वेश्चन है 120 मार्क्स के लिए। समय 2 घंटे का दिया जाएगा और अगर निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देख सकते हैं, पहला जो आपका रहेगा सेक्शन उसमें जनरल इंग्लिश और संस्कृत के 15-15 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब टोटल 30 रहेगा। सेकेंड जो आपका रहेगा वो जनरल हिंदी का 15 क्वेश्चंस रहेगा। देन रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट से आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि ये टीचिंग आप बीएड करोगे तो आगे टीचिंग करना पड़ेगा, इसलिए इस सब्जेक्ट से आपका 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब रही बात कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरल का जो है 35% कम से कम आना चाहिए, 42 नंबर। अदर कैंडिडेट के लिए 30% है, 36 नंबर कम से कम आना चाहिए, तब जाके आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। और इसका कॉलेज का अगर लिस्ट देखना चाहते हो तो उसका एक अलग से PDF मैं डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड करके आप देख लेना। आई होप कि सारा कुछ जो आपके मन में डाउट होगा इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में तो कमेंट करिएगा, वहां पर आपके क्वेरीज को सॉल्व की जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगे फिर से किसी अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।